हुए थे मेरे चैनल पर। आई होप ये दिख रहा हो आप सबको। बहुत ठंडा है यार, मॉर्निंग ड्राइव ना बहुत बहुत ठंडी है यार। मुझे लगा नहीं था कि इतना ठंडा होगा। ये जो सामने रोड है ये पड़ने वाली है बहुत अच्छी तरीके से बाद में। हरिओम गंगे। ऋषिकेश जिन चीज़ों में से फेमस है उनमें से एक है गंगा नदी, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग बहुत होती है। बट यहाँ अब इसलिए नहीं हो रही है, पहले तो कोरोना ही था एंड अभी इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तो ये जो रैपिड्स हैं मज़े आ जाते यार, इसमें मैंने काफ़ी बार कर रखा है, बहुत मज़े आए थे। तो अगर आप सबको भी मौका मिले तो ज़रूर आना और रिवर राफ्टिंग इंजॉय करना ऋषिकेश में। मोर फन, मोर एक्साइटमेंट, मोर एडवेंचर। लुक एट दिस, द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, ब्यूटी ऑफ अवर गढ़वाल, है ना, बहुत प्यारा व्यू। पर थोड़ा सा धूप आ गया, इस तरफ को धूप आ गई और मैं तो चाह रहा था धूप आए यार, ना ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। 9 बजने को है और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कि गर्म हो रहा हो। ठीक है, सही है मौसम। गाँव की खास बातों में से एक है इनके सीढ़ीदार खेत। सुना होगा आपने ना, उस टाइम जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे अपने, तो उस टाइम में से सब्जेक्ट आता था शायद से, तब ये वैसे भी सुना होगा आप सबने, सीढ़ीदार खेत। और गांव में तो हमने ऐसे में क्रिकेट खेल रखे थे, फल्ली मार रखी, फल्ली मतलब जंप करना बोलते ना, फाल मार दिया है। और इस तरफ को आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है व्यू। एंड जब विंटर शुरू होता है ना तो यहाँ से आपको बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ भी दिखते हैं। गांव की रोडें कितनी प्यारी सी होती है ना, छोटी सी पर बिल्कुल सही सही से बने हो तो सही है। एंजॉय द रोड। Look, this is my village. Yo, finally मैं अपने घर पहुंच गया, गांव पहुंच गया और मैं काफ़ी थक गया हूँ यार, बहुत गहरी नींद आने वाली है आज तो, बहुत गहरी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था और बस लगभग 4 बजने को हैं। ये है मेरा गांव, नहीं लगता ना वैसे पहाड़ी टाइप में, प्लेन है बिल्कुल नॉर्मल। मौका मिला तो ऊपर पहाड़ों पे जाके नीचे का व्यू दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। 3-4 दिन रुका अगर मैं यहाँ तो।